Mr. Gorsha, I thank you very much for being here in the studio. I know you're a very busy man, and so we really appreciate you having taken the time to come and speak to us today. I have been looking at the materials that were given to me, that you have written, and your book that you have written, or one of the books that you have written, and your message is fascinating, and it is of appeal to everyone in this world, it seems to me, and yet in a way it's also controversial. But before we get into the message itself, please tell us how you became interested in this message, how it came to you, and how your journey began. और सबसे पहले आप ये बताएं कि दिलचस्पी कैसे हुई और ये कैसे शुरू किया आपने? मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, लेकिन मेरे वालिद डेयरी में मुलाजम थे। तो कहते थे कि जब मैं वहां गया कि 3-4 साल की उम्र में तुम घर से गायब हो जाया करते थे, तो हम ढूंढते रहते, लेकिन निजामुद्दीन औलिया की दरबार पर हम तुमको पाते। तो जब भी तुम गुम हुए, हम तुमको वहीं पाते। ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये वालिदैन कहते थे। Now this is what you were doing when you were 3 years old. आप ये कुछ 3 साल की उम्र में कर रहे थे? हाँ, 3 या 4 साल की, मुझे याद नहीं, मेरे वालिदैन बताते थे मुझे। जब मैं अपने होशो आवास में आया, उस वक्त मेरा रुख दरबारों की तरफ ही होता था। स्कूल से वापस आता, दरबारों में चला जाता, उनकी सफाई वगैरह करता रहता या कोई नफल वगैरह पढ़ता रहता। कोई 18-19 साल इसी तरह गुजर गए। उसके बाद हमारे दोस्त मेलों में जाया करते थे। उस वक्त तोहफे वगैरह आती, शादियां होती, तोहफे ले आते, गाने वाने बजाते। तो मेरा उधर शौक नहीं था। एक दोस्त ने कहा कि अगर उधर चले तो बड़े लजात है, एक दफा तुझे आ सही। तो मैंने इरादा किया है कि कल जो शादी है उसमें जरूर मैं जाऊंगा। वो तोहफों का नाच था। तो रात को मैंने देखा ख्वाब में कि एक बहुत बड़ा गोल सा कोई अर्श है, उसके नीचे मुझे भी खड़े किया और एक और आदमी उसको भी खड़े किया, और ऊपर से आवाज आती है कि ये भी तोहफों में जाता था, इसको मारो। अब मैं देखता हूँ बड़े बड़े आदमी उसको गोजे मारना शुरू हो गए और चीख रहा है बिल्कुल। और उसके बाद चीखते चीखते उसकी शक्ल जो है ना, वो सूर की तरह हो गई। तो जब मैंने वो मंजर देखा ना, तो मैंने भी तोबा 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 करना शुरू कर दी कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, और तोबा तोबा ही करता रहा। जब आंख खोली, तोबा तोबा हो गई रही, वो तो इरादा मैंने तर्क कर दिया। उसके साथ मैं टैक्सी भी चलाता था, गाड़ी भी रखी हुई थी। एक दिन को गाड़ी का सामान लेके मैं आया, तो रास्ते में एक टैक्सी ड्राइवर था, उस नए नए टेप रिकॉर्डर चले थे, तो दो डाकू थे, उन्होंने टेप रिकॉर्डर छीनने की कोशिश करी, लेकिन वो छीने नहीं दिए उसने, उन्होंने उसको चाकू मारा। हमारे सामने जब बस रुकी तो भाग रहे थे, लेकिन वो हमारे सामने तड़प तड़प के उसने जान ले दी। मैंने ये भी वाकया देखा जब मैं घर गया, तो खुद बहुत मेरी जबान से ये निकल रहा था, कब सारी खताए माफ मेरी, तेरे दर पे मैं आने गया, सारी रात खुद कुछ ही निकलता। उसके बाद मैंने दुनिया को छोड़ी और जंगल की तरफ चला गया, लेकिन वहां 10-15 दिन घूमता घामता रहा, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर पीर फकीर थे, उनके पास चला गया, फिर उलमा के पास चला गया, उन्होंने यही बताया कि नमाज पढ़ो, दुरुस्ती पढ़ो, बस यही कुछ है। लेकिन हम कहते थे ये तो हम कुछ करते रहे हैं, इससे आगे कुछ बताओ। वो कहते से आगे हमको पता नहीं है। What kind of ulamas? Who were those people that you went to? किस किस्म के उलमा के पास आते थे? एक तो ये शहीद वाले उलमा थे, कुछ पीर थे जो गधियों वाले पीर थे, पीर देवलस्ती थे, पीर मेली शाह के पोते थे, इस किस्म के लोग थे। And what did they recommend? उन्होंने क्या कहा था आपके लिए? उन्होंने यही कहा था कि तुम बस नमाज पढ़ो और इसके हलाल खाओ और दुरुस्ती पढ़ा करो बस। हम कहते थे हम ये पढ़ते रहे हैं, ये इससे आगे कुछ मंजर बताओ। वो कहते थे इससे आगे हमारे पास नहीं है, कहीं और जाओ, ये बड़ा मुश्किल रास्ता है। फिर हम देखा हमको तो मिलता नहीं है, तो फिर हमने शादी करी, बच्चे भी हो गए, कारोबार भी हो गया, सुई गैस के चूल्हे बनाने की इंडस्ट्री थी। फिर रात को हम सोए हुए थे, तो फिर अचानक रात को रोशनी आई, उसमें से एक चेहरा नमूदार हुआ। उसने कहा चलो अब जंगलों में चलो। हमने कहा हम तो जंगलों में है क्या है, कुछ हासिल नहीं हुआ। उनके अब तुम्हारा वक्त, अब तुम चलो।
उनकी गाइड के ऊपर फिर हम सावन शरीफ की पहाड़ियों में वहां पहुंच गए। Who do you think that was? वो कौन था बच्चे? वो एक दरबार अकबर इमाम वो थे, वो बुजुर्ग थे जो रावलपिंडी में आए। तो हम जंगलों में आए तो फिर हमको एक और नुस्खा बताया गया है कि वो जो तू इबादत करता था वो तो सिर्फ दहशत के लिए है, अल्लाह के लिए नहीं है। तो नमाज पढ़ता था अपने लिए पढ़ता, अल्लाह के लिए नहीं पढ़ता था ना। तिलावत करता था अपने लिए, अल्लाह के लिए कुछ और चीज है। हम पूछते थे अल्लाह के लिए क्या है, कहता अल्लाह का ये दीन नहीं है, अल्लाह ना मुस्लिम है ना ईसाई है ना यहूदी है, अल्लाह का दीन इश्क है। अपने अंदर इश्क पैदा कर अगर तूने अल्लाह को पाना है तो हमने पूछा इश्क पैसे कैसे आएगा कि जब तेरे अंदर अल्लाह का नाम आएगा फिर अल्लाह का इश्क आएगा ना, दिल में नाम अल्लाह का आएगा तो फिर एक नूर नदा किताब सभी सुल्तान वो होगी वो हमारे पास थी, हमने खरीदी थी, पास रखी हुई थी, कुछ उसमें से तरीका लिया और हमने वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। वो हमारे अंदर फिर दिल की धड़कने जो ना वो अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दी। फिर हमने सूरज की रोशनी से उसको अपने आंखों में लेते, उस रोशनी को दिल के ऊपर अल्लाह लिखने की कोशिश करते और कुछ अर्से के बाद हमारे को अपने दिल पे अल्लाह लिखा हुआ नजर भी आया। तो 3 साल तक हम जो जो ये अल्लाह तेज होता वो दिखता इतने उसे इश्क बढ़ता जाता। और 3 साल के बाद फिर एक दिन अल्लाह से हम कलाम हो ही गए। फिर कई बातें हुई लेकिन जो मुख्तसर बात थी वो यही थी कि ये जो इलम था ये सिर्फ हमने खास के लिए रखा हुआ था, अब इसको आम करना चाहते हैं। अब तुम्हारे को इसके लिए तैयार किया है, अब तुमने इसको आम करना और पूरी दुनिया में इसको फैलाना है। हमने कहा हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है कि हम इधर से उधर जा सकें, तो पूरी दुनिया वो तो मुश्किल है कि इसका हम खुद बंदोबस्त कर लेंगे। Now, when God spoke to you, when Allah spoke to you, describe that to us as to what was that experience? जब आप अल्लाह से हम कलाम हुए तो उस तजर्बे के बारे में हमको थोड़ा सा बताया कि कैसे हुआ। उससे पहले भी हमको कई आवाजें आती कि मैं तेरा अल्लाह हूँ, तू वापस चला जा, तुझे नवाज दिया। कभी कानों में आवाज आती, कभी दिल पे आती, तो हम समझ नहीं सकते थे। उस दिन जो आवाज आई वो सबसे पहले वो तहरीर हमारे दिल पे आई। And in what language did he speak to you? कौन सी ज़बान में अल्लाह ने आपसे गुफ्तगू की? वो जो थी वो ना अरबी थी ना उर्दू थी, कोई हमको पता नहीं है, वो सुरियानी ज़बान थी। वो हमारे दिल पे लिखी गई, उसके नीचे उर्दू का तर्जमा था जिसको हम समझ पा रहे थे। अब जब अल्लाह हो रही थी तो जब वो जबान इसके ऊपर आई अल्लाह और तेज हो गई और उसमें और शाइनिंग हो गई। फिर वो वहां से यहाँ आई, हम यहाँ से भी जिक्र करते थे, ये 7 मखलूकें हैं, 7 मखलूकें। जब यहाँ आई तो यहाँ भी हमारा जिक्र दे या आहत का जिक्र होता है। यहाँ से फिर हमारी जबान में आई तो जो हम यहाँ देख रहे थे वही जबान बोल रही थी। इसके बाद भी हमारे को ऐसी आई, लेकिन जब ऐसी कोई आती तो यहाँ आके डिम हो जाती, हम समझ जाते थे ये शैतान की तरफ से। लेकिन जो यहाँ अल्लाह के साथ और तेज हो जाती, शैनिंग आ जाती, हम समझ जाते थे ये रहमान की तरफ से। और जो शैतान की तरफ से आती थी उसको यहाँ रुकावट हो जाती या जबान ही ना बोलती। लेकिन जो अल्लाह की तरफ से आती थी तो फिर उसको आंखें भी देखते हैं, दिल भी गवाही देता, बीच में भी आती है जुबान से भी बोलती। So God spoke to you and he said that you should go out and spread his word. अल्लाह ने आपसे गुफ्तगु की और फिर ये इशारा आपको हुआ कि आप ये इल्म आप दुनिया में आम कर दें इसको? बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से। फिर हमने फिर कहा हमारे पास तो कोई पैसे नहीं कि हम दुनिया में जा सकें, कि हम इसको खुद बंदोबस्त करेंगे। और आज ऐसा बंदोबस्त किया है कि दुनिया में चप्पे चप्पे में जा रहे हैं, हमारा एक पैसा भी खर्च नहीं होता। लोग हैं जो अल्लाह के दोस्त हैं या जिनको अल्लाह चाहता है उनके जरिए हम जगह जगह जा रहे हैं, हमारा साथ सारा खर्चा वो उठा रहे हैं। Describe your work to us. What is it you do when you travel? आपका जो काम है, जो पैगाम है, उसके बारे में थोड़ा तस्करा फरमाएं कि आप जब सफर करते हैं तो क्या करते हैं आप? सफर करता हूँ तो ये लोग पहले इस पैगाम को आम कर देते हैं, तो फिर कोई हिंदू हो या सिख हो या मुस्लिम हो या ईसाई हो, फिर हमको बुलाते हैं। फिर हमने वो जो इलम सीखा हुआ, इसी का इलम जो सीखा है वो हम उनको बताते हैं। इसको हर मजहब कबूल कर रहा है। हम ये सुनते आए थे बचपन में कि जब तक कोई कलमा नहीं पढ़े उसका दिल अल्लाह नहीं कर सकता, लेकिन अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कोई मजहब में है या नहीं है, किसी भी मजहब में है उनमें से ये दिल जब प्रैक्टिस करते हैं अल्लाह शुरू हो जाती है। ये अब हमारा तजुर्बा है, इस तजुर्बे के तौर पर हम हर मजहब में घुस रहे हैं। Why is it important that the heart should say Allah Allah? Why not the brain? ये क्यों जरूरी है कि दिल अल्लाह अल्लाह करे और दिमाग नहीं फंस करे?
اس وجہ سے ضروری ہے کہ اللہ کا تعلق ہی دل سے ہے, دماغ سے نہیں ہے. اللہ اور بندے کے درمیان جو ٹیلیفون ہے وہ دل ہے. اللہ نے جس ولی نبی سے بات کری اس دل کے ذریعے بات کری, یہ ٹیلیفون ہے. اب یہ اس کے درمیان ٹیلیفون ہے, اس میں شیطان بیٹھ گیا ہے. اور شیطان عبادت میں بھی وسوسے ڈالتا ہے. اے جو آپس میں مسلمان مسلمان سے لڑ رہا ہے نا, وہی شیطان لڑا رہا ہے نا. ورنہ ایک نماز ہے, ایک قرآن ہے, ایک کلمہ ہے, وہ شیطان ہے وہ لڑا رہا ہے. اگر اس شیطان کی جگہ اللہ اللہ آ جائے تو شیطان نکلے پر اللہ آئے نا. اللہ تو کسی کو لڑاتا نہیں ہے نا, وہ سب کو ایک کرتا ہے نا. اب تمہارے دل میں بھی اللہ, اس کے ادھر بھی اللہ, تو سارے ایک ہو گئے نا. بلا مذہب ہے یا نہیں, جب ہر وقت اس دل میں اللہ اللہ ہوتی ہے تو کوئی چیز دل میں آ جائے اس سے محبت ہو جاتی ہے. جب اللہ دل میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ سے محبت ہوگی. جب تمہارے دل میں اللہ سے محبت ہو گئی تو اللہ پھر تم سے محبت کرے گا نا. پھر تو کسی مذہب میں ہے یا نہیں ہے پرواہ نہیں, اللہ کی محبت ہی کافی. See, what it sounds like to me is that in Indian subcontinent, our languages rely very heavily on heart rather than the mind. A lot of our poetry talks about heart and what is in one's heart, what is one heart wanting and so on, rather than what is in one's mind. To me, it seems that your interpretation that God speaks to a human being through the heart is culture based, rather than saying that God speaks to us through our minds, because it's our minds that help us think and make decisions. یہ ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں تہذیب کا بڑا اثر ہے, اور خاص طور پر شاعرانہ کلام کے اندر دل کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے. اور ہماری یہ سمجھ ہے کہ اللہ کا جو تعلق ہے یا اس کی گفتگو کا جو تعلق ہے وہ دماغ سے ہے, کیونکہ دماغ سے ہم سوچتے ہیں. اور لہذا جو آپ کی گفتگو ہے یا جو آپ کا پیغام ہے دل کے متعلق, اس سے تہذیب سے شاید زیادہ تعلق اس چیز کا ہو یا شاعری سے ہو. لیکن یہ کیسے ہے کہ اللہ کی جو گفتگو ہے وہ دماغ سے ہوتی ہے یا دل سے ہوتی ہے؟ یہ کچھ مخلوق ہیں جو دل, یہ گوشت کا دوسرا کیا کر سکتا ہے, اس کے طرح ایک مخلوق ہے, اس کا نام قلب ہے. عربی میں اس گوشت کے لوتھڑے کو فواد کہتے ہیں اور اس مخلوق کو قلب کہتے ہیں. وہ ایک مخلوق ہے جس طرح جن اور فرشتے ہیں, وہ مخلوق ہے. پھر وہ جب اللہ نہ کرتی ہے تو یہ دل کی دھڑکن اس کی تسبیح ہے, اس کے ذریعے وہ اللہ اللہ پورے خون میں نس نس میں سائد کرتا ہے. اس کے ذریعے پھر اللہ اللہ روح تک پہنچتا ہے, پھر روح میں اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں. ایک مخلوق اس دماغ میں, اس کو انا بولتے ہیں. جب وہ مخلوق ذکر سے طاقت پکڑتی ہے تو وہ مخلوق اللہ کے دیدار کو جاتی ہے. یہ مخلوق اللہ سے بات چیت کرتی ہے. اس دنیا میں جو سب سے ادنا ولی ہوتا ہے وہ اس کے ذریعے اللہ سے بات کرتا ہے, وہ اوپر نہیں جا سکتا ہے. جو اعلیٰ ولی ہوتا ہے اس سر والی مخلوق کے ذریعے اس کے پاس جاتا ہے, اس کو دیکھتا ہے. So then in other words we should try to raise ourselves from heart level to brain's level. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم دل سے لے کر اپنے دماغ تک اپنے آپ کو بیدار کریں؟ دل سے لے کے, یعنی دل سے دل کو بیدار کریں اور پھر اپنے دماغ کو بیدار کریں تاکہ یہ مقام حاصل کر سکے. ہاں تو پھر اس کے طریقے ہیں, اس کے طریقے سکھائے جاتے ہیں. دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے, ساری روح اللہ اللہ کرتی ہے, یہاں اس کے اندر بھی اللہ اللہ ہوتی ہے. اس اللہ سے وہ طاقت پکڑتا ہے تو وہاں پہنچتا ہے. یہ تصور میں اس کا طریقہ, یہی طریقے ہم سکھاتے ہیں لوگوں کو. Talk about your message itself now. I'm looking at the brochures and pamphlets that you have, and you have signs. I see a cross, I see the Star of David, I see the crescent and the star, I see the Sikhs symbol and the Hindu charkha and the yin and yang. All of these symbols are there. Is your message an Islamic message or what kind of a message is it? aapke kuch literature ke upar mukhtalif nishan hai, saleeb hai, chand sitara hai, star of david aur digar nishan hai, to aapka jo paigham hai wo islami paigham hai, uska wajood kya hai aur iske liye? ye jo hai na, maine pehle bataya hai ki ye allah ka jo deen hai na, ye mohabbat hai.
कोई भी उसके दीन में चला जाए, अपने अंदर मोहब्बत इश्क पैदा कर ले, तो फिर वो इस्लाम ही है ना, अल्लाह का हो गया ना, अल्लाह वाला हो गया ना, हो गया ना। उसके लिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया ना, गारो इश्क तो कुफर भी है मुसलमानी, अगर किसी काफर में अल्लाह का इश्क आ जाए वो भी मुसलमानी है। आगे कहते हैं गर होना तो मुस्लिम भी है काफर संदीक, और जिन मुस्लिमों के दिल में अल्लाह का इश्क नहीं है एक दूसरे को काफर संदीक कह रहे हैं ना, तो ये अल्लाह का इश्क है जिसको हर मजहब कबूल कर रहा है ना। हमारा पैगाम हर मजहब के लिए हम तजर्बे कर रहे हैं, हर मजहब इसको कबूल कर रहे हैं। Mr. Gaur Shahid, thank you very much for being here in the studio. I know you're a very busy man, and so we really appreciate your having taken the time to come and speak to us today. I have been looking at the materials that were given to me, that you have written, and your book that you have written, or one of the books that you have written, and your message is fascinating, and it is of appeal to everyone in this world, it seems to me, and yet in a way it's also controversial. But before we get into the message itself, please tell us how you became interested in this message, how it came to you, and how your journey began. जी, सबसे पहले खुशामदीद के बाद ये कहने के लिए जो आपका पैगाम है बड़ा दिलचस्प है सब सारी दुनिया के लिए, और सबसे पहले आप ये बताएं कि दिलचस्पी कैसे हुई और ये कैसे शुरू किया आपने। अच्छा, मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, लेकिन मेरे वालिद दिल्ली में मुलाजम थे, तो कहते थे कि जब मैं वहाँ गया कि 3-4 साल की उम्र में तुम घर से गायब हो जाया करते थे, तो हम ढूंढते रहते लेकिन निजामुद्दीन औलिया की दरबार पर हम तुमको पाते, तो जब भी तुम गुम हुए हम तुमको वहीं पाते। ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये वालदैन कहते थे। Now this is what you were doing when you were 3 years old? आप ये कुछ 3 साल की उम्र में कर रहे थे? हाँ, 3 या 4 साल, मुझे याद नहीं, मेरे वालदैन बताते थे मुझे। जब मैं अपने होशो आवास में आया उस वक्त मेरा रुख दरबारों की तरफ ही होता था, स्कूल से वापस आता दरबारों में चला जाता, उनकी सफाई वगैरह करता रहता या कोई नकल वगैरह पढ़ता रहता। कोई 18-19 साल इसी तरह गुजर गए। उसके बाद हमारे दोस्त मेलों में जाया करते थे, उस वक्त तोहफे वगैरह आती, शादियां होती, तोहफे ले आते, गाने वाने बजाते, तो मेरा उधर शौक नहीं था। एक दोस्त ने कहा कि अगर उधर चले तो बड़े लजात है, एक दफा तुझे आ सही, तो मैंने इरादा किया है कि कल जो शादी है उसमें जरूर मैं जाऊंगा। वो तोहफों का नाच था, तो रात को मैंने देखा ख्वाब में कि एक बहुत बड़ा गोल सा कोई अर्श है, तो उसके नीचे मुझे भी खड़े किया और एक और आदमी उसको भी खड़े किया, और ऊपर से आवाज आती है कि ये भी तोहफों में जाता था, इसको मारो। अब मैं देखता हूँ कोई बड़े बड़े आदमी उसको गोजे मारना शुरू हो गए और चीख रहा है बिल्कुल, और उसके बाद चीखते चीखते उसकी शक्ल जो है ना वो सूर की तरह हो गई। तो जब मैंने वो मंजर देखा ना, तो मैंने भी तोबा 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 करना शुरू कर दी कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, और तोबा तोबा ही करता रहा। जब आंख खोली तोबा तोबा हो गई रही, वो तो इरादा मैंने तर्क कर दिया। उसके साथ मैं टैक्सी भी चलाता था, गाड़ी भी रखी हुई थी। एक दिन को गाड़ी का सामान लेके मैं आया, तो रास्ते में एक टैक्सी ड्राइवर का उस नए नए टेप रिकॉर्डर चले थे, तो दो डाकू थे, उन्होंने टेप रिकॉर्डर छीनने की कोशिश करी, लेकिन वो छीने नहीं दिए उसने, उन्होंने उसको चाकू मारे। हमारे सामने जब बस रुकी तो भाग रहे थे, लेकिन वो हमारे सामने तड़प तड़प के उसने जान दे दी। मैंने ये भी वाकया देखा जब मैं घर गया, तो खुद बहुत मेरी जबान से ये निकल रहा था, कब सारी खताए मार मेरी, तेरे दर पे मैं आने गया, सारी रात खुद कुछ ही निकलता। उसके बाद मैंने दुनिया को छोड़ी और जंगल की तरफ चला गया, लेकिन वहां 10-15 दिन घूमता घामता रहा, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर पीर फकीर थे उनके पास चला गया, फिर उलमा के पास चला गया, उन्होंने यही बताया कि नमाज पढ़ो, दुरुस्ती पढ़ो, बस यही कुछ है। लेकिन हम कहते थे ये तो हम कुछ करते रहे, इससे आगे कुछ बताओ, वो कहते इससे आगे हमको पता नहीं है। What kind of ulamas? Who were those people that you went to? किस किस्म के उलमा के पास आप गए थे? एक तो ये शहीद वाले उलमा थे, कुछ पीर थे जो गधियों वाले पीर थे, पीर देवल थे, पीर मेली शाह के पोते थे,
इस किस्म के लोग थे. And what did they recommend? उन्होंने क्या कहा था आपके लिए? उन्होंने यही कहा था कि तुम बस नमाज पढ़ो और इसके हलाल खाओ और दुरुस्ती पढ़ा करो बस. हम कहते थे हम ये पढ़ते रहे हैं, ये इससे आगे कुछ बनल बताओ. वो कहते थे इससे आगे हमारे पास नहीं है, कहीं और जाओ, ये बड़ा मुश्किल रास्ता है. फिर हम देखा हमको तो मिलता नहीं है, तो फिर हमने शादी करी, बच्चे भी हो गए, कारोबार भी हो गया, सुई गैस के चूल्हे बनाने की इंडस्ट्री थी. फिर रात को हम सोए हुए थे तो फिर अचानक रात को रोशनी आई, उसमें से एक चेहरा नमूदार हुआ. उसने कहा चलो अब जंगलों में चलो. हमने कहा हम तो जंगलों में है क्या है, कुछ हासिल नहीं हुआ. उनके अब तुम्हारा वक्त, अब तुम चलो. उनकी गाइड के ऊपर फिर हम सावन शरीफ की पहाड़ियों में वहां पहुंच गए. Who do you think that was? वो कौन था बच्चे? वो एक दरबार बड़ी इमाम वो थे, वो बुजुर्ग थे जो रावलपिंडी में आए. तो हम जंगलों में आए तो फिर हमको एक और नुस्खा बताया गया है कि वो जो तू इबादत करता था वो तो सिर्फ दहशत के लिए है, अल्लाह के लिए नहीं है. तो नमाज पढ़ता था अपने लिए पढ़ता, अल्लाह के लिए पढ़ता था. तलावत करता था अपने लिए, अल्लाह के लिए कुछ और चीज है. हम पूछते थे अल्लाह के लिए क्या है, कहता अल्लाह का ये दीन नहीं है. अल्लाह ना मुस्लिम है, ना ईसाई है, ना यहूदी है. अल्लाह का दीन इश्क है. अपने अंदर इश्क पैदा कर अगर तूने अल्लाह को पाना है तो. हमने पूछा इश्क पैसे कैसे आएगा कि जब तेरे अंदर अल्लाह का नाम आएगा फिर अल्लाह का इश्क आएगा ना, दिल में नाम अल्लाह का आएगा तो. तो फिर एक नूर नदा किताब सभी सुल्तान वो होगी वो हमारे पास थी, हमने खरीदी थी, पास रखी हुई थी. कुछ उस समय से तरीका लिया और हमने वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दी. वो हमारे अंदर फिर दिल की धड़कने जो ना वो अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दी. फिर हमने सूरज की रोशनी से उसको अपने आंखों में लेते, उस रोशनी को दिल के ऊपर अल्लाह लिखने की कोशिश करते. और कुछ अर्से के बाद हमारे को अपने दिल पे अल्लाह लिखा हुआ नजर भी आया. तो 3 साल तक हम जो जो ये अल्लाह तेज होता वो दिखता इतने उसे इश्क बढ़ता जाता. और 3 साल के बाद फिर एक दिन अल्लाह से हम कलाम हो ही गए. फिर कई बातें हुई लेकिन जो मुख्तसर बात थी वो यही थी कि ये जो इलम था ये सिर्फ हमने खास के लिए रखा हुआ था, अब इसको आम करना चाहते हैं. अब तुम्हारे को इसके लिए तैयार किया है, अब तुमने इसको आम करना और पूरी दुनिया में इसको फैलाना. हमने कहा हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है कि हम इधर से उधर जा सकें, तो पूरी दुनिया वो तो मुश्किल है कि इसका हम खुद बंदबस कर देंगे. Now, when God spoke to you, when Allah spoke to you, describe that to us as to what was that experience. जब आप अल्लाह से हम कलाम हुए तो उस तजर्बे के बारे में हमको थोड़ा सा बताया कि कैसे हुआ. उससे पहले भी हमको कई आवाजें आती कि मैं तेरा अल्लाह हूँ, तू वापस चला जा, तुझे नवाज दिया. कभी कानों में आवाज आती, कभी दिल पे आती, तो हम समझ नहीं सकते थे. उस दिन जो आवाज आई वो सबसे पहले वो तहरीर हमारे दिल पे आई. And in what language did he speak to you? कौन सी ज़बान में अल्लाह ने आपसे गुफ्तगू की? वो जो थी वो ना अरबी थी ना उर्दू थी, कोई हमको पता नहीं है. वो सुरियानी ज़बान थी, वो हमारे दिल पे लिखी गई. उसके नीचे उर्दू का तर्जमा था जिसको हम समझ पा रहे थे. अब जब अल्लाह हो रही थी तो जब वो जबान इसके ऊपर आई अल्लाह और तेज हो गई और उसमें और शैनिंग हो गई. फिर वो वहां से यहाँ आई, हम यहाँ से भी जिक्र करते थे ये 7 मखलूकें हैं, 7 मखलूकें. जब यहाँ आई तो यहाँ भी हमारा जिक्र दे या आहत का जिक्र होता है. यहाँ से फिर हमारी जबान में आई तो जो हम यहाँ देख रहे थे वही जबान बोल रही थी. इसके बाद भी हमारे को ऐसी आई लेकिन जब ऐसी कोई आती तो यहाँ आके डिम हो जाती, हम समझ जाते थे ये शैतान की तरफ से. लेकिन जो यहाँ अल्लाह के साथ और तेज हो जाती, शैनिंग में आ जाती, हम समझ जाते थे ये रहमान की तरफ. और जो शैतान की तरफ से आती थी उसको यहाँ रुकावट हो जाती या जुबान ही ना बोलती. लेकिन जो अल्लाह की तरफ से आती थी तो फिर उसको आंखें भी देखते हैं, दिल भी गवाही देता, बीच में भी आती है, जुबान से भी बोलती. So God spoke to you and he said that you should go out and spread his word. अल्लाह ने आपसे गुफ्तगू की और फिर ये इशारा आपको हुआ कि आप ये इल्म आप दुनिया में आम कर दें इसको. बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से. फिर हमने फिर कहा हमारे पास तो कोई पैसे नहीं कि हम दुनिया में जा सकें कि हम इसको खुद बंदोबस्त करेंगे. और आज ऐसा बंदोबस्त किया है कि दुनिया में चप्पे चप्पे में जा रहे हैं, हमारे पैसा भी खर्च नहीं होता. लोग हैं जो अल्लाह के दोस्त हैं या जिनको अल्लाह चाहता है उनके जरिए हम जगह जगह जा रहे हैं, हमारा साथ सारा खर्चा वो उठा रहे हैं. Describe your work to us. What is it you do when you travel? आपका जो काम है, जो पैगाम है, उसके बारे में थोड़ा तज़किरा फरमाएं कि आप जब सफर करते हैं तो क्या करते हैं आप? सफर करता हूँ तो ये लोग पहले
इस पैगाम को आम कर देते हैं, तो फिर कोई हिंदू हो या सिख हो या मुस्लिम हो या ईसाई हो, फ्रेंड को बुलाते हैं, फिर हमने वो जो इलम सीखा हुआ, इसी का इलम जो सीखा है वो हम उनको बताते हैं। इसको हर मजहब कबूल कर रहा है। हम ये सुनते आए थे बचपन में कि जब तक कोई कलमा नहीं पढ़े उसका दिल अल्लाह नहीं कर सकता, लेकिन अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कोई मजहब में है या नहीं है, किसी भी मजहब में है, उनमें से ये दिल जब प्रैक्टिस करते हैं अल्लाह नशीन हो जाती है। ये अब हमारा तजुर्बा है। इस तजुर्बे के तौर पर हम हर मजहब में घुस रहे हैं। Why is it important that the heart should say Allah Allah? Why not the brain? ये क्यों जरूरी है कि दिल अल्लाह अल्लाह करे और दिमाग नहीं फर्ज करो? दिल इस वजह से जरूरी है कि अल्लाह का तल्लुक ही दिल से है, दिमाग से नहीं है। अल्लाह और बंदे के दरमियान जो टेलीफोन है वो दिल है। अल्लाह ने जिस वली नबी से बात करी इस दिल के जरिए बात करी, ये टेलीफोन है। अब ये उसके दरमियान टेलीफोन है, इसमें शैतान बैठ गया है और शैतान इबादत में भी वसवसे डालता है। जो आपस में मुसलमान मुसलमान से लड़ रहा है ना, वही शैतान लड़ा रहा है ना, वरना एक नमाज है, एक कुरान है, एक कलमा है, वो शैतान है, वो लड़ा रहा है। अगर इस शैतान की जगह अल्लाह अल्लाह आ जाए तो शैतान निकले पर अल्लाह आएगा। अल्लाह तो किसी को लड़ाता नहीं है ना, वो सबको एक करता है ना। जब तुम्हारे दिल में भी अल्लाह, इसके इधर भी अल्लाह, तो सारे एक हो गए ना, भला मजहब है या नहीं। जब औरत इस दिल में अल्लाह अल्लाह होती है तो कोई चीज दिल में आ जाए उससे मोहब्बत हो जाती है। जब अल्लाह दिल में आ जाता है तो अल्लाह से मोहब्बत होगी। जब तुम्हारे दिल में अल्लाह से मोहब्बत हो गई तो अल्लाह पर तुम से मोहब्बत करेगा ना। फिर तू किसी मजहब में है या नहीं है परवाह नहीं, अल्लाह की मोहब्बत ही काफी। See, what it sounds like to me is that in Indian subcontinent, our languages rely very heavily on heart rather than the mind. A lot of our poetry talks about heart and what is in one's heart, what is one heart wanting, and so on, rather than what is in one's mind. To me, it seems that your interpretation that God speaks to a human being through the heart is culture based, rather than saying that God speaks to us through our minds, because it's our minds that help us think and make decisions. ये हमारी समझ में ये बात आती है कि इंडिया और पाकिस्तान में तहजीब का बड़ा असर है और खासतौर पर शायराना कलाम के अंदर दिल का बड़ा तस्करा होता है, और हमारी ये समझ है कि अल्लाह का जो ताल्लुक है या उसकी गुफ्तगू का जो ताल्लुक है वो दिमाग से है, क्योंकि दिमाग से हम सोचते हैं, और लिहाजा जो आपकी गुफ्तगू है या जो आपका पैगाम है दिल के मुतल्लिक, उससे तहजीब से शायद ज़्यादा ताल्लुक उस चीज़ का हो या शायरी से हो। लेकिन ये कैसे है कि अल्लाह की जो गुफ्तगू है वो दिमाग से होती है या दिल से होती है? वो ऐसा ये कुछ मखलूक है जो दिल ये गोश का दूसरा क्या कर सकता है, इसके तरह एक मखलूक है उसका नाम कल्ब है। अरबी में इस गोश के लोथरे को फवाद कहते हैं और उस मखलूक को कल्ब कहते हैं। वो एक मखलूक है जिस तरह जिन और फरिश्ते हैं, वो मखलूक है। फिर वो जब अल्लाह अल्लाह करती है तो ये दिल की धड़कन उसकी तस्बीह है, उसके लिए वो अल्लाह अल्लाह पूरे खून में नस नस में शिकायत करता है, उसके लिए फिर अल्लाह अल्लाह रूह तक पहुंचता है, फिर रूह में अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देती है। एक मखलूक इस दिमाग में, उसको अन्ना बोलते हैं, जब वो मखलूक जिक्र से ताकत पकड़ती है तो वो मखलूक अल्लाह के दीदार को जाती है, ये मखलूक अल्लाह से बातचीत करती है। इस दुनिया में जो सबसे अदना वली होता है वो इसके लिए अल्लाह से बात करता है, वो ऊपर नहीं जा सकता है। जो आला वली होता है इस सब वाली मखलूक के लिए उसके पास जाता है, उसको देखता है। So then in other words we should try to raise ourselves from heart level to brain's level. तो उसका क्या मतलब है कि हम दिल से लेकर अपने दिमाग तक अपने आप को बेदार करें? दिल से लेकर यानी दिल से दिल को बेदार करें और फिर अपने दिमाग को बेदार करें ताकि ये मकाम हासिल कर सके। हाँ, तो फिर इसके तरीके हैं, इसके तरीके सिखाए जाते हैं। दिल भी अल्लाह अल्लाह करता है, सारी रूह अल्लाह अल्लाह करती है, यहाँ उसके अंदर भी अल्लाह अल्लाह होती है, उस अल्लाह से ताकत पकड़ता है तो वहां पहुंचता है। ये तसव्वुफ में इसका तरीके यही तरीके हम सिखाते हैं लोगों को। Talk about your message itself now. I'm looking at the brochures and pamphlets that you have, and you have signs. I see a cross
see the star of David, I see the crescent and the star, I see the Sikhs symbol and the Hindu charkha and the yin and yang. All of these symbols are there. Is your message an Islamic message, or what kind of a message is it? आपके कुछ लिटरेचर के ऊपर मुख्तलिफ निशान है, सलीब है, चांद सितारा है, स्टार ऑफ डेविड और दिगर निशान है, तो आपका जो पैगाम है वो इस्लामी पैगाम है, उसका वजूद क्या है और किसके लिए? ये जो है ना, मैंने पहले ही पता है कि ये अल्लाह का जो दीन है ना, मोहब्बत है। कोई भी उसके दीन में चला जाए, अपने अंदर मोहब्बत इश्क पैदा कर ले, तो फिर वो इस्लामी है ना, अल्लाह का हो गया ना, अल्लाह वाला हो गया ना, ना हो गया ना। उसके लिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया ना, गार इश्क तो कुफर भी है मुसलमानी, अगर किसी काफर में अल्लाह का इश्क आ जाए वो भी मुसलमानी है। आगे कहते हैं गर होना तो मुस्लिम भी है काफर जंदी, और जिन मुस्लिमों के दिल में अल्लाह का इश्क नहीं है एक दूसरे को काफर जंदी कह रहे हैं ना, तो ये अल्लाह का इश्क है जिसको हर मजहब कबूल कर रहा है ना। हमारा पैगाम हर मजहब के लिए, हम तजर्बे कर रहे हैं, हर मजहब इसको कबूल कर रहे हैं। Mr. Gaur Shahid, thank you very much for being here in the studio. I know you're a very busy man, and so we really appreciate you having taken the time to come and speak to us today. I have been looking at the materials that were given to me, that you have written, and your book that you have written, or one of the books that you have written, and your message is fascinating, and it is of appeal to everyone in this world, it seems to me, and yet in a way it's also controversial. But before we get into the message itself, please tell us how you became interested in this message, how it came to you, and how your journey began. जी, सबसे पहले खुशामदीद के बाद ये कहने के लिए, जो आपका पैगाम है बड़ा दिलचस्प है सब सारी दुनिया के लिए, और सबसे पहले आप ये बताएं कि दिलचस्पी कैसे हुई और ये कैसे शुरू किया आपने? मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, लेकिन मेरे वालिद दिल्ली में मुलाजम थे, तो कहते थे कि जब मैं वहां गया कि 3-4 साल की उम्र में तुम घर से गायब हो जाया करते थे, तो हम ढूंढते रहते लेकिन निजामुद्दीन औलिया की दरबार पर हम तुमको पाते, तो जब भी तुम गुम हुए हम तुमको वहीं पाते। ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ये वालदैन कहते थे। Now this is what you were doing when you were 3 years old? आप ये कुछ 3 साल की उम्र में कर रहे थे? हाँ, 3 या 4 साल, मुझे याद नहीं, मेरे वालदैन बताते थे मुझे। जब मैं अपने ओशो आवास में आया, उस वक्त मेरा रुख दरबारों की तरफ ही होता था, स्कूल से वापस आता दरबारों में चला जाता, उनकी सफाई वगैरह करता रहता या कोई नकल वगैरह पढ़ता रहता। कोई 18-19 साल इसी तरह गुजर गए। उसके बाद हमारे दोस्त मेलों में जाया करते थे, उस वक्त तोहफे वगैरह आती, शादियां होती, तोहफे ले आते, गाने वाने बजाते, तो मेरा उधर शौक नहीं था। एक दोस्त ने कहा कि अगर उधर चले तो बड़े लजात है, एक दफा तुझे आ सही, तो मैंने इरादा किया है कि कल जो शादी है उसमें जरूर मैं जाऊंगा। वो तोहफों का नाच था, तो रात को मैंने देखा ख्वाब में कि एक बहुत बड़ा गोल सा कोई अर्श है, तो उसके नीचे मुझे भी खड़े किया और एक और आदमी उसको भी खड़े किया, और ऊपर से आवाज आती है कि ये भी तोहफों में जाता था, इसको मारो। अब मैं देखता हूँ कोई बड़े बड़े आदमी उसको गोजे मारना शुरू हो गए और चीख रहा है बिल्कुल, और उसके बाद चीखते चीखते उसकी शक्ल जो है ना वो सूर की तरह हो गया। तो जब मैंने वो मंजर देखा ना, तो मैंने भी तोबा 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 करना शुरू कर दी कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, और तोबा तोबा ही करता रहा। जब आंख खोली तोबा तोबा हो गई, वो तो इरादा मैंने तर्क कर दिया। उसके साथ मैं टैक्सी भी चलाता था, गाड़ी भी रखी हुई थी। एक दिन को गाड़ी का सामान लेके मैं आया, तो रास्ते में एक टैक्सी ड्राइवर का उस नए टेप रिकॉर्डर चले थे, तो दो डाकू थे, उन्होंने टेप रिकॉर्डर छीनने की कोशिश करी, लेकिन वो छीने नहीं दिए उसने, उन्होंने उसको चाकू मारा। हमारे सामने जब बस रुकी तो भाग रहे थे, लेकिन वो हमारे सामने तड़प तड़प के उसने जान दे दी। मैंने ये भी वाकया देखा जब मैं घर गया, तो खुद बहुत मेरी जबान से ये निकल रहा था
कर सारी खताए मार मेरी, तेरे दर पे मैं आने गया, सारी रात को तो कुछ ही नहीं करता। उसके बाद मैंने दुनिया को छोड़ी और जंगल की तरफ चला गया, लेकिन वहां 10-15 दिन घूमता घामता रहा, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर पीर फकीर थे उनके पास चला गया, फिर उलमा के पास चला गया, उन्होंने यही बताया कि नमाज पढ़ो, दुरुस्ती पढ़ो, बस यही कुछ है। लेकिन हम कहते थे एक हम कुछ करते रहे, इसे आगे कुछ बताओ। वो कहते इसे आगे हमको पता नहीं है। What kind of ulamas? Who were those people that you went to? किस किस्म के उलमा के पास आप गए थे? एक तो ये शहीद वाले उलमा थे, कुछ पीर थे जो गधियों वाले पीर थे, पीर देवलस्ती थे, पीर मेली शाह के पोते थे, इस किस्म के लोग थे। And what did they recommend? उन्होंने क्या कहा था आपके लिए? उन्होंने यही कहा था कि तुम बस नमाज पढ़ो और इसके हलाल खाओ और दुरुस्ती पढ़ा करो बस। हम कहते थे हम ये पढ़ते हैं, ये इससे आगे कुछ मंजर बताओ। वो कहते थे इससे आगे हमारे पास नहीं है, कहीं और जाओ, ये बड़ा मुश्किल रास्ता है। फिर हम देखा है हमको तो मिलता नहीं है, तो फिर हमने शादी करी, बच्चे भी हो गए, कारोबार भी हो गया, स्विगी गैस के चूल्हे बनाने की इंडस्ट्री थी। फिर रात को हम सोए हुए थे तो फिर अचानक रात को रोशनी आई, उसमें से एक चेहरा नमूदार हुआ। उसने कहा चलो अब जंगलों में चलो। हमने कहा हम तो जंगलों में है क्या है, कुछ हासिल नहीं हुआ। उनके अब तुम्हारा वक्त, अब तुम चलो। उनकी गाइड के ऊपर फिर हम सावन शरीफ की पहाड़ियों में वहां पहुंच गए। Who do you think that was? वो कौन था? वो एक दरबार बड़ी इमाम, वो थे, वो बुजुर्ग थे जो रावलपिंडी में आए। हम जंगलों में आए तो फिर हमको एक और नुस्खा बताया गया है कि वो जो तू इबादत करता था वो तो सिर्फ दहशत के लिए है, अल्लाह के लिए नहीं है। तो नमाज पढ़ता था अपने लिए पढ़ता, अल्लाह के लिए नहीं पढ़ता था ना। तिलावत करता था अपने लिए, अल्लाह के लिए कुछ और चीज है। हम पूछते थे अल्लाह के लिए क्या है, कहता अल्लाह का ये दीन नहीं है। अल्लाह ना मुस्लिम है, ना ईसाई है, ना यहूदी है, अल्लाह का दीन इश्क है। अपने अंदर इश्क पैदा कर अगर तूने अल्लाह को पाना है। हमने पूछा इश्क पैसे कैसे आएगा, कि जब तेरे अंदर अल्लाह का नाम आएगा फिर अल्लाह का इश्क आएगा ना, दिल में नाम अल्लाह का आएगा तो फिर एक नूर नदा किताब सभी सुल्तान वो होगी, वो हमारे पास थी, हमने खरीदी थी, पास रखी हुई थी। कुछ उसमें से तरीका लिया और हमने वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। वो हमारे अंदर फिर दिल की धड़कने जो ना वो अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दी। फिर हमने सूरज की रोशनी से उसको अपने आंखों में लेते, उस रोशनी को दिल के ऊपर अल्लाह लिखने की कोशिश करते, और कुछ अरसे के बाद हमारे को अपने दिल पे अल्लाह लिखा हुआ नजर भी आया। तो 3 साल तक हम जो जो ये अल्लाह तेज होता वो दिखता, इतने उसे इश्क बढ़ता जाता। और 3 साल के बाद फिर एक दिन अल्लाह से हम कलाम हो ही गए। फिर कई बातें हुई, लेकिन जो मुख्तसर बात थी वो यही थी कि ये जो इलम था ये सिर्फ हमने खास के लिए रखा हुआ था, अब इसको आम करना चाहते हैं। अब तुम्हारे को इसके लिए तैयार किया है, अब तुमने इसको आम करना और पूरी दुनिया में इसको फैलाना है। हमने कहा हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है कि हम इधर से उधर जा सके, तो पूरी दुनिया वो तो मुश्किल है कि इसका हम खुद बंदोबस्त कर लेंगे। Now when God spoke to you, when Allah spoke to you, describe that to us as to what was that experience? जब आप अल्लाह से हम कलाम हुए तो उस तजर्बे के बारे में हमको थोड़ा सा बताया कि कैसे हुआ। उससे पहले भी हमको कई आवाजें आती कि मैं तेरा अल्लाह हूँ, तू वापस चला जा, तुझे नवाज दिया। कभी कानों में आवाज आती, कभी दिल पे आती, तो हम समझ नहीं सकते थे। उस दिन जो आवाज आई वो सबसे पहले वो तहरीर हमारे दिल पे आई। एंड इन व्हाट लैंग्वेज डिड ही स्पीक टू यू? कौन सी जबान अल्लाह ने आपसे गुफ्तगू? वो जो थी वो ना अरबी थी ना उर्दू थी, कोई हमको पता नहीं है, वो सुरियानी जबान थी। वो हमारे दिल पे लिखी गई, उसके नीचे उर्दू का तर्जमा था जिसको हम समझ पा रहे थे। अब जब अल्लाह हो रही थी, जब वो जबान इसके ऊपर आई अल्लाह और तेज हो गई और उसमें और शाइनिंग हो गई। फिर वो वहां से यहाँ आई, हम यहाँ से भी जिक्र करते थे, ये 7 मखलूकें हैं, 7 मखलूकें। जब यहाँ आई तो यहाँ भी हमारा जिक्र देव या आहद का जिक्र होता है। यहाँ से फिर हमारी जबान में आई, जो हम यहाँ देख रहे थे वही जबान बोल रही थी। इसके बाद भी हमारे को ऐसी आई, लेकिन जब ऐसी कोई आती तो यहाँ आके डिम हो जाती, हम समझ जाते थे ये शैतान की तरफ से। लेकिन क्यों यहाँ अल्लाह के साथ और तेज हो जाती, शाइनिंग में आ जाती, हम समझ जाते थे ये रहमान की तरफ। और जो शैतान की तरफ से आती थी उसको यहाँ रुकावट हो जाती या जुबान ही न बोलती। लेकिन जो अल्लाह की तरफ से आती थी तो फिर उसको आंखें भी देखते हैं, दिल भी गवाही देता, बीच में भी आती है, जुबान से भी बोलती।
So God spoke to you and he said that you should go out and spread his word. Allah ne aapse guftugu ki aur phir ye ishara aapko hua ki aap ye ilm aap duniya mein aam kar de isko. Bilkul Allah ke hukm se kiya. Humne phir kaha hamare paas to koi paise nahi ki hum duniya mein ja sake ki hum isko khud bas karenge. Aur aaj aisa bandobas kiya hai ki duniya mein chappe chappe mein ja rahe hain. Hamara ek paisa bhi kharch nahi hota. Log hain jo Allah ke dost hain ya jinko Allah chahta hai unke zariye hum jagah jagah ja rahe hain. Hamara sath sath acha wo utha rahe hain. Describe your work to us. What is it you do when you travel? आपका जो काम है जो पैगाम है उसके बारे में थोड़ा तस्करा फरमाएं कि आप जब सफर करते हैं तो क्या करते हैं आप? सफर करता हूँ तो ये लोग पहले इस पैगाम को आम कर देते हैं तो फिर कोई हिंदू हो या सिख हो या मुस्लिम हो या ईसाई हो फ्रेंड को बुलाते हैं फिर हमने वो जो इलम सीखा हुआ इसी का इलम जो सीखा है वो हम उनको बताते हैं इसको हर मजहब कबूल कर रहा है हम ये सुनते आए थे बचपन में कि जब तक कोई कलमा नहीं पढ़े उसका दिल अल्लाह नहीं कर सकता लेकिन अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कोई मजहब में है या नहीं है किसी भी मजहब में है उनमें से ये दिल जब प्रैक्टिस करते हैं अल्लाह शुरू हो जाती है ये अब हमारा तजुर्बा है इस तजुर्बे के तौर पे हम हर मजहब में घुस रहे हैं Why is it important that the heart should say Allah Allah? Why not the brain? ये क्यों जरूरी है कि दिल अल्लाह अल्लाह करे और दिमाग नहीं फंस करे दिल इस वजह से जरूरी है कि अल्लाह का तल्लुक ही दिल से है दिमाग से नहीं है अल्लाह और बंदे के दरमियान जो टेलीफोन है वो दिल है अल्लाह ने जिस वली नबी से बात करी इस दिल के जरिए बात करी है टेलीफोन है अब ये उसके दरमियान टेलीफोन है इसमें शैतान बैठ गया है और शैतान इबादत में भी वसवसे डालता है जो आपस में मुसलमान मुसलमान से लड़ रहा है ना वही शैतान लड़ा रहा है ना वरना एक नमाज है एक कुरान है एक कलमा है वो शैतान है वो लड़ा रहा है अगर इस शैतान की जगह अल्लाह अल्लाह आ जाए तो शैतान निकले पर अल्लाह है ना तो अल्लाह तो किसी को लड़ाता नहीं है ना वो सबको एक करता है ना जब तुम्हारे दिल में भी अल्लाह इसके इधर भी अल्लाह तो सारे एक हो गए ना भला मजहब है या नहीं जब और इस दिल में अल्लाह अल्लाह होती है तो कोई चीज दिल में आ जाए उससे मोहब्बत हो जाती है जब अल्लाह दिल में आ जाए तो फिर अल्लाह से मोहब्बत हो गई जब तुम्हारे दिल में अल्लाह से मोहब्बत हो गई तो अल्लाह पर तुमसे मोहब्बत करेगा ना फिर तू किसी मजहब में है या नहीं है परवाह नहीं अल्लाह की मोहब्बत ही काफी See, what it sounds like to me is that in Indian subcontinent, our languages rely very heavily on heart rather than the mind. A lot of our poetry talks about heart. And what is in one's heart, what is one heart wanting, and so on, rather than what is in one's mind. To me, it seems that your interpretation that God speaks to a human being through the heart is culture-based, rather than saying that God speaks to us through our minds, because it's our minds that help us think and make decisions. ये हमारी समझ में ये बात आती है कि इंडिया और पाकिस्तान में तहजीब का बड़ा असर है और ख़ासतौर पर शायराना कलाम के अंदर दिल का बड़ा तस्करा होता है और हमारी ये समझ है कि अल्लाह का जो ताल्लुक है या उसकी गुफ्तगू का जो ताल्लुक है वो दिमाग से है क्योंकि दिमाग से हम सोचते हैं और लिहाजा जो आपकी गुफ्तगू है या जो आपका पैगाम है दिल के मुतल्लिक उससे तहजीब से शायद ज़्यादा ताल्लुक उस चीज़ का हो या शायरी से हो लेकिन ये कैसे है कि अल्लाह की जो गुफ्तगू है वो दिमाग से होती है या दिल से होती है वो ऐसा ये कुछ मखलूक है जो दिल ये गोश का दूसर क्या कर सकता है इसके तो एक मखलूक है उसका नाम कल्ब है अरबी में गोश के लोथरे को फवाद कहते हैं और उस मखलूक को कल्ब कहते हैं वो एक मखलूक है जिस तरह जिन और फरिश्ते हैं वो मखलूक है फिर वो जब अल्लाह अल्लाह करती है ये दिल की धड़कन उसकी तस्बीह है उसके लिए वो अल्लाह अल्लाह पूरे खून में नस नस में शिकायत करता है उसके लिए फिर अल्लाह अल्लाह रूह तक पहुंचता है फिर रूह में अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देती है एक मखलूक इस दिमाग में उसको अन्ना बोलते हैं जब वो मखलूक जिक्र से ताकत पकड़ती है तो वो मखलूक अल्लाह के दीदार हो जाती है ये मखलूक अल्लाह से बातचीत करती है इस दुनिया में जो सबसे अदना वली होता है वो इसके लिए अल्लाह से बात करता है वो ऊपर नहीं जा सकता है जो आला वली होता है इस सर वाली मखलूक के लिए उसके पास जाता है उसको देखता है सो देन इन अदर वर्ड्स वी शुड ट्राई टू रेज आवरसेल्व्स
from heart's level to brain's level. तो इसका क्या मतलब है कि हम दिल से लेकर अपने दिमाग तक अपने आप को बेदार करें? दिल से लेकर? यानी दिल से दिल को बेदार करें और फिर अपने दिमाग को बेदार करें ताकि ये मकाम हासिल कर सके। हाँ, तो फिर इसके तरीके हैं, इसके तरीके सिखाए जाते हैं। दिल भी अल्लाह ला करता है, सारी रूह अल्लाह ला करती है, यहाँ उसके अंदर भी अल्लाह ला होती है, उस अल्लाह से वो ताकत पकड़ता है तो यहाँ पहुंचता है। ये तसव्वुफ में इसका तरीके, यही तरीके हम सिखाते हैं लोगों को। लेट्स talk about your message itself now. I'm looking at the brochures and pamphlets that you have, and you have signs. I see a cross. I see the Star of David. I see the crescent and the star. I see the Sikhs symbol and the Hindu charkha and the yin and yang. All of these symbols are there. Is your message an Islamic message or what kind of a message is it? आपके कुछ लिटरेचर के ऊपर मुख्तलिफ निशान है, सलीब है, चांद सितारा है, स्टार ऑफ डेविड और दिगर निशान है, तो आपका जो पैगाम है वो इस्लामी पैगाम है, उसका वजूद क्या है और किसके लिए? ये जो मैंने पहले पता है कि ये अल्लाह का जो दीन है ना, मोहब्बत है। कोई भी उसके दीन में चला जाए, अपने अंदर मोहब्बत इश्क पैदा कर ले, तो फिर वो इस्लामी है ना, अल्लाह का हो गया ना, अल्लाह वाला हो गया ना, ना हो गया ना। उसके लिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया ना, गार और इश्क तो कुफर भी है मुसलमानी, अगर किसी काफर में अल्लाह का इश्क आ जाए तो वो भी मुसलमानी है। आगे कहते हैं गर होना तो मुस्लिम भी है काफर जिंदीक, और जिन मुस्लिमों के दिल में अल्लाह का इश्क नहीं है एक दूसरे को काफर जिंदीक कह रहे हैं ना, तो ये अल्लाह का इश्क है जिसको हर मजहब कबूल कर रहा है ना। हमारा पैगाम हर मजहब के लिए हम तजुर्बे कर रहे हैं, हर मजहब इसको कबूल कर रहे हैं।